कहते हैं जन्म देने के बाद माँ ही भगवान होती है और माँ ही परमेश्वर होती है। जी हाँ, आज हम आपको बताने पीलीभीत में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक मासूम बेटे को माँ ने झाड़ियों में पीलीभीत में एक माँ ने मासूम बेटे को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक कर इस बात का सबूत दे दिया है, जिससे मंदिर के पास से गुजर रहे गोपाल ने जब बच्चे की आवाज़ सुनी तो उससे रहा नहीं गया और मासूम बच्चे को उठाकर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां बच्चे की हालत नाजुक होता देख स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने उसे हेयर सेंटर की रेफर कर दिया। मौके पर काफी लोगों की भीड़ जुट गई और उस मां को बुरी बुरी बात कहने लगे, जिससे गोपाल ने सभी को शांत किया और कहा कि इस बच्चे का बचाना जरूरी है। आप खुद इस तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस सुंदर से बच्चे को माँ झाड़ियों में फेंक कर चली गई। पीलीभीत से न्यूज 18 भारत की रिपोर्ट। कहाँ से आया, क्या मामला है? एक बच्चा हमारे हॉस्पिटल में 1 बजे करीब आया है, न्यूरिया सीएससी से रेफर होते हैं जी। इसको चाइल्ड लाइन वाले निर्वाण सिंह जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो लेके आए हैं जी। इसको हमने बच्चे वाले डॉक्टर एसएमसीयू में रेफर कर दिया है, बच्चे वहाँ पे भर्ती कर दिया है। भर्ती करने के बाद उसका फिटनेस बनेगा, अगर बच्चा फिट होगा तो उसके लिए फिर अग्रिम कार्रवाई जो है की जाएगी। वैसे बच्चा ठीक है इस समय में? वैसे स्वस्थ है और फीड वगैरह ले रहा है जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।